यहाँ पे लोगों को खाने के लिए टमाटर नहीं मिल रहे और हम चांद पे जाकर के पानी ढूंढने में लगे हुए। जो मजदूर हर रोज आपकी जीडीपी बढ़ाने के लिए अपनी हड्डियां रगड़ रहा है, उसके दो वक्त का खाना उसकी दिहाड़ी से महंगा कर रखा है आपने। और इस देश की 60% से ज्यादा जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बजाय टैक्स एग्जम्पशन, सब्सिडीज, लोन माफी जैसे निवाले देकर जानबूझ के गरीब रखा गया है, ताकि इलेक्शन आने पे ये निवाला डाल के उनकी वोट आसानी से खरीदी जा सके। इसके ना खेत है, ना फसल को पालने पे कोई मेहनत है, ना कोई लागत मूल्य है और ना ही नुकसान होने का कोई रिस्क है। धरल्ले से सारा मुनाफा वो कमा के जा रहा है और हमारी सरकार हर साल मुंह उठा के तमाशा देखती रह जाती है। देखिए, पिछले 30-40 दिनों से आपकी थाली में जो टमाटर 200 रुपए पर किलो पे आ रहा है, असल में वो किसान से सिर्फ 6 रुपए पर किलो पे खरीदा गया है। यहाँ टोमेटो के प्राइसेस इतने हाई होने की वजह से गरीब और मिडिल क्लास के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो रखा है। वहीं पे अप्रैल मई के महीने में हमारा किसान दाम बहुत कम मिलने के कारण उसी टमाटर को सड़कों पे फेंक रहा था। और हर साल टमाटर, प्याज, आलू जैसी बेसिक खाने वाली चीजों के दाम इतने बढ़ते क्यों हैं? अगर बढ़ते भी हैं तो किसान गरीब का गरीब क्यों है? और इतना हल्ला होने के बावजूद हर साल हमारी सरकार इसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रही? ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, जो कि मेरे अपने नहीं, दालवाई कमेटी की रिकमेंडेशंस और फॉरेन कंट्रीज की एग्जांपल्स पे बेस्ड होंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप ये देखिए कि गरीब पे पड़ रही मार की चिंता करने की बजाय हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है। I've fallen in love, you see. I've fallen in love. पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम है सीमा हैदर, उससे प्यार हो जाता है। कैसे आप सचिन तक पहुंचने के लिए ये कोशिश, ये जद्दोजहद करती आई? सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहाँ बुलाने के बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? सीमा को अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी का ऑफर दे दिया। थोड़े दिन के बाद आप उन्हें बिग बॉस में भी देख पाएंगे। देखिए, इंडिया के अंदर टोमेटोज रब्बी और खरीफ दोनों सीजन में उगाए जाते हैं। मार्च से अगस्त तक जो टोमेटोज मार्केट में रहते हैं वो रब्बी सीजन वाले होते हैं और सितंबर के बाद खरीफ सीजन वाले टोमेटोज शुरू हो जाते हैं। हिमाचल के कुछ इलाके मानसून सीजन में टोमेटो सप्लाई करते हैं, लेकिन वो डिमांड के अकॉर्डिंग उतने नहीं होते। इसके अलावा हमारे देश में टोमेटो की खेती मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ी थोड़ी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गर्मियों के सीजन में पूरे देश में टोमेटो की सप्लाई मेनली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका पर डिपेंड करती है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। मैं इस पे वीडियो में आगे चल के बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस साल मार्केट में टोमेटो इतना महंगा क्यों है। देखिए, आपको अगर याद हो तो इस साल हमारे देश में फरवरी में ही हीट वेव रिकॉर्ड करी गई थी। फरवरी से लेकर मई तक टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और इसके भी ऊपर साउथ इंडिया में मानसून पहले के कंपैरेटिवली लेट आता है। इन दोनों वजह से टोमेटो की फसल के ऊपर पेस्ट अटैक हो जाता है और हीट ज्यादा होने के कारण लीफ कर्ल नाम का एक वायरस फसल खराब कर देता है, जिस वजह से टोमेटो की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। अभी जून जुलाई में जो टमाटर 250 से 300 रुपए पर किलो पे बिक रहा है, मई के महीने में किसानों को मजबूर किया गया कि वो टमाटर 1 रुपए पर किलो पे बेचे। फसल का इतना कम दाम देख के किसान डिस्करेज हो गया और उन्होंने अपनी फसल को सड़कों पे बिखेरा और खेतों में जाकर के दोबारा से ट्रैक्टर चला दिया, ताकि वो कोई नई फसल बीजने की तैयारी कर सके जिसका उसे रिटर्न अच्छा मिले। ये सारी चीजें होने की वजह से टोमेटो की सप्लाई पहले के कंपैरेटिवली आधी हो जाती है और सिर्फ कुछ किसानों को छोड़ के बाकी किसानों से 6 रुपए पर किलो पे खरीदा गया टमाटर शहर में 250 रुपए पर किलो पे बेचा जा रहा है। हर साल इसी तरह के कोई ना कोई क्लाइमेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से टमाटर, प्याज और आलू की सप्लाई में उतार चढ़ाव आता है। इससे पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को जाने वाला प्याज पॉलिटिकल या बॉर्डर टेंशन के कारण रोका जाता है तो उसकी सप्लाई देश के अंदर बढ़ जाती है, जिससे हमारे किसान को बहुत कम पैसा मिलता है और ये चीजें स्टोर करने वाले प्राइवेट मिडलमैन इनकी आर्टिफिशियल तरीके से कमी करके इन्हें महंगी होने के बाद निकाल करके बेचते हैं, जिससे हमारा किसान और कंज्यूमर दोनों बर्बाद होते हैं और फसल को खेत से मंडी तक लाने वाला प्राइवेट मिडलमैन सारा मुनाफा कमा रहा है, जिसके ना खेत है, ना फसल को पालने पे कोई मेहनत है, ना कोई लागत मूल्य है और ना ही नुकसान होने का कोई रिस्क है। धरल्ले से सारा मुनाफा वो कमा के जा रहा है और हमारी सरकार हर साल मुंह उठा के तमाशा देखती रह जाती है। देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि ये तो वायरस, पेस्ट अटैक या फिर मानसून के लेट आने की वजह से हुआ है और ये सारे तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? वो आपको अभी समझ में आएगा जब मैं आपके सामने सॉल्यूशंस रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है, पेट गुजारा नहीं हो पाता। यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं, 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है अभी फिलहाल।
जी अंकल सब्जी बेचते हैं और इनके जैसे कितने ही और लोग हैं जिन्हें हम कवर नहीं कर पाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो इस वक्त कितने दुख में हैं। अब जरा इस पूरी सिचुएशन पे सरकार का क्या रिस्पॉन्स है वो सुनिए। हमारी सरकार के अकॉर्डिंग टमाटर के प्राइसेस में आया उछाल एक सीजनल बात है और इस पे पैनिक नहीं करना चाहिए। ये हर साल होने वाला फिनोमेना है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो हम क्या समझे, वो गरीब का रोना, उसका दुख, उसकी हेल्पलेसनेस भी सीजनल बात है? वो हर साल ऐसे ही लाचार, बेबस और जिंदगी को शाप समझ के भोगता रहेगा? 2016 में किसान की इनकम कैसे बढ़ाई जाए और खाने की चीजों के प्राइसेस को रेगुलेट कैसे किया जाए, ये पता लगाने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक दलवाई थे। इस कमेटी ने 2018 में अपनी रिकमेंडेशंस वाली रिपोर्ट सरकार के आगे रखी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि सरकार की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज टमाटर और प्याज खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जिस वजह से किसान को औने पौने दाम पे ही अपनी फसल प्राइवेट ट्रेडर को बेचनी पड़ती है। टोमेटो की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ये एक जल्दी खराब होने वाली फसल है, तो किसान वेट नहीं कर सकता कि कब उसे अच्छा प्राइस मिले और तब वो बेचे। उसके नजदीक वाला प्राइवेट ट्रेडर जिस दाम पे फसल उठाएगा उसे उस दाम पे बेचनी पड़ेगी। इसके अलावा इस कमेटी ने ये बताया कि ये प्राइवेट ट्रेडर्स फसल को खेत से मंडी तक लाने के लिए किसान से हैवी अमाउंट में किराया वसूलते हैं और इसके साथ साथ ये प्राइवेट सप्लाई चेन बहुत इररेगुलर भी है। इनके देर करने से टमाटर खराब होने लगता है जिसका नुकसान फिर से किसान को ही होता है। तो सरकार से कहा गया कि विलेज लेवल पे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि FPOs बनाई जाए जो किसान की फसल को किसी प्राइवेट ट्रेडर के हाथ देने की बजाय डायरेक्ट कंज्यूमर तक लेके जाए और बड़ी कंपनीज के लिए भी किसी प्राइवेट ट्रेडर से खरीदने की बजाय डायरेक्ट किसान के खेत से फसल उठाने के प्रोविजंस बनाए जाएं। लेकिन ये दोनों चीजें आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया, इसमें फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री लॉजिस्टिक्स, 50% सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सारे बड़े बड़े शब्द यूज किए गए लेकिन असल में ग्राउंड लेवल पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किसान और मजदूर की हालत तब भी खस्ता थी और आज भी खस्ता है। इसके अलावा इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि विलेज लेवल पे फसल को एक जगह इकट्ठा करके पूल किया जाए, वहां पे मॉडर्न पैक हाउसेस बनाए जाए जहां पे फसल को साफ करके उसकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग पैक किया जाए और फिर उस रेडी हो चुके मटेरियल को कोल्ड सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक ले जाया जाए। लेकिन इस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे भी आगे किसान को मॉडर्न सीड्स देना जिसपे कि वायरस या फिर पेस्ट अटैक ना हो, ये सब करना तो भूल ही जाइए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कोई भी ऐसी बॉडी नहीं बनाई गई जिसमें एग्रीकल्चरल और वेदर एक्सपर्ट्स हो जो सीजन आने से पहले किसान को गाइड कर पाए कि मौसम कैसा रहने वाला है, फसल के ऊपर पेस्ट अटैक हो सकता है या नहीं, या फिर उसे वायरस से कैसे बचाना है। किसान की फसल को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर बनाना तो दूर, उसकी फसल को पानी लगाने के लिए आज तक कनाल नेटवर्क नहीं बनाया गया। आज भी इस देश की 60% फसल पानी के लिए मानसून पे डिपेंड करती है। 2019 से लेकर 2023 तक हमने दो चंद्रयान लॉन्च कर दिए। पंजाबी में कहते हैं कि असी पूरी चौड़ करके कहने हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। मैं कहता हूं कि फिर क्या उखाड़ लिया हमने चांद पे जाके। अरे यहाँ लोगों की जिंदगियां नरकों रखी हैं और हम चांद पे जाकर के कोई एलियंस की जिंदगियां ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ पे लोगों को खाने के लिए टमाटर नहीं मिल रहे और हम चांद पे जाकर के पानी ढूंढने में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टमाटर ही महंगा है। शिमला मिर्च 190 रुपए किलो है, गोभी 150 रुपए, मटर 180 रुपए और अदरक 400 रुपए किलो है। सारी दिहाड़ी कमर तोड़ के मेहनत करने वाला एक दिहाड़ीदार आदमी रात को पेट भर के खाना नहीं खा पा रहा और हमारे नेताजी एसी वाले रूम में से कह रहे हैं कि ये सब सीजनल इशू है, कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। ये कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि किसान के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें बहुत खर्च आएगा, जैसे FPOs, कनाल चैनल्स, कोल्ड स्टोर, सप्लाई चेन, ये सब बनाने के लिए बहुत खर्च आएगा और सरकार किसान से कोई टैक्स भी नहीं वसूलती है। वो मुंह भर करके ऐसा कहते हैं कि किसान अगर अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है तो वो टैक्स भी दे दे। तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार अगर 3,000 करोड़ का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकती है, 2,000 करोड़ की अपने लिए नई पार्लियामेंट बना सकती है, 1,500 करोड़ के चंद्रयान लॉन्च कर सकती है जिसमें से एक फेल भी हो गया है, सरकार अगर 32,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन चलाने का सोच सकती है, तो सरकार किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर देने का भी सोच सकती है, जो कि सरकार नहीं सोच रही। आप पढ़े लिखे ज्यादा हो, आपको लगा होगा कि हमें शायद कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन हमें तो पता चल गया। अब चलिए साइड हटिए। इस देश की 60% से ज्यादा जनता खेती वाले काम में रोजगार करती है और इस देश की 60% से ज्यादा जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बजाय टैक्स एग्जम्पशन, सब्सिडीज, लोन माफी जैसे निवाले देके जानबूझ के गरीब रखा गया है ताकि इलेक्शन आने पे ये निवाला डाल के उनकी वोट आसानी से खरीदी जा सके। और खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझने वाले एसी वाले रूम्स में बैठ करके ट्वीट करते हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय खर्च कर लेता है। सरकार अगर विलेज लेवल पे कोल्ड स्टोर्स और पूलिंग पॉइंट्स बनाती तो उन्हें बनाने के लिए कितना रोजगार पैदा होना था, बनाने के बाद उन्हें ऑपरेट, मेंटेन और मैनेज करने के लिए कितनी नौकरियां पैदा होनी थी। गांव के लोग गांव में ही नौकरी करते और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ ना आते जिससे शहरों के ऊपर बोझ कम होता। ऐसा करने से खेती पे ज्यादा लोगों के डिपेंड होने का बोझ भी कम हो जाता, किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता और शहर में बैठे मजदूर को खाने पीने का सामान भी सस्ते रेट पे मिल जाता।
हम एक तीर से चार निशाने लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने शहरों के नाम चेंज करवा लिए, हमने स्टेडियम अपने नाम पे बनवा लिए, हमने मंदिर मस्जिद के नाम पे कॉन्ट्रोवर्सीज कर ली, हमने हिंदू मुस्लिम के बीच फसाद करवाने वाली फिल्में टैक्स फ्री कर दी, हमने बलात्कारी बवाओं को परोल दिलवा दी, हमने अपनी मन की सनक उगाने के लिए हरेक घिनौना काम कर लिया, लेकिन हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए। आपने किताबें काली करवा दी बच्चों को ये पढ़ा पढ़ा के कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाइड लैंड मिलते हैं जी, बहुत डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट और प्लांट्स मिलते हैं जी, हर एक तरह की हवा पानी मिट्टी पहाड़ पत्थर सब है यहाँ पे। आपने गंगा के मैदान के बारे में रटवा दिया बच्चों को कि ये एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सूटेबल जगह है। हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम सवाल करते हैं कि अगर गंगा का मैदान एग्रीकल्चर करने के लिए इतना ही सूटेबल है तो आप टमाटर की खेती सिर्फ साउथ इंडिया में क्यों करवाते हो, और अगर करवाते भी हो तो पूरे देश की बजाय सिर्फ उन्हीं कुछ स्टेट्स में पॉली हाउसेस बनाना तो कम खर्चे का सौदा है, आपने अभी तक बनाए क्यों नहीं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पॉली हाउसेस खेतों में उग रही फसल को कवर करने के लिए पॉलीएथिलीन के घर जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इंसेक्ट या फिर पेस्ट नहीं आ पाते। यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन हमारे देश में हम भगवान को ज्यादा मानते हैं इसलिए हमने सब कुछ उसके आश्रय छोड़ा हुआ है। कर्नाटक से दिल्ली 1800 किलोमीटर है, इतनी दूर अगर कोई ट्रक टमाटर लेके आएगा तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल जलने के कारण वो टमाटर महंगा होगा ही। आप हरेक स्टेट को ना सही, कम से कम हरेक रीजन को तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ और ट्रक सिर्फ वहां भेजो जहां पे कोई इमरजेंसी हो गई है। और ये क्या जीडीपी का झंडा लिए फिर रहे हो आप? जो मजदूर हर रोज आपकी जीडीपी बढ़ाने के लिए अपनी हड्डियां रगड़ रहा है, आजादी के 75 साल बाद भी उसके दो वक्त का खाना उसकी दिहाड़ी से महंगा कर रखा है आपने। और भी बहुत सा डाटा है मेरे पास, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अब ज्यादा जज्बाती हो रहा हूं मैं।